हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सब बिल्कुल चुस्त दुस्त और तंदुरुस्त होंगे। मैं वैभवी तिवारी स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में। आज से हम आप सबकी SGP की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो इसके पहले सूरज सर पढ़ाते थे। सूरज सर ने क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूज तक पढ़ाया था, उसके आगे है HRC फ्यूज। आज हम आपको HRC फ्यूज और HV फ्यूज, HV का मीन्स मतलब हाई वोल्टेज फ्यूज के बारे में समझाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं HRC फ्यूज। HRC फ्यूज का फुल फॉर्म होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी टाइप कार्टिज फ्यूज। आप देखेंगे किसी भी सरल विद्या में अक्सर ये सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। HRC फ्यूज का फुल फॉर्म तो हमने आपको बता दिया, इसके आगे देखते हैं इसका डायग्राम। यह जो बनाई गई संरचना है, यह हमारी आंतरिक संरचना है। यह हाई वोल्टेज के लिए यूज की जाती है। इसमें एक इनपुट टर्मिनल और एक आउटपुट टर्मिनल होता है। और यह आपका फ्यूज, यह जो ये फ्यूज है आपका, यह फ्यूज एलिमेंट है। यह फ्यूज एलिमेंट जब जल जाता है, मतलब हाई वोल्टेज पर जब यूज करते हैं, तो यह जल जाता है और इसमें आग उत्पन्न होती है। इसमें जो एलिमेंट भरा होता है, मतलब ये जो भरड़ चूर और रेत चाल या एलिंग मटेरियल इसको बोलते हैं, यह हमारे आर्क को बुझाने का कार्य करता है। इसमें एक कारतूस लगी होती है, इसको हिंदी में हम कारतूस और इंग्लिश में कार्टिज कहते हैं। यह पोर्सलिन का बना होता है, या जो है ये हमारे यह पोर्सलिन का बना होता है। इसमें एक आउटर एलिमेंट होता है और इसमें एक फिक्सिंग स्लॉट होता है, जो हमारा मतलब फ्यूज को फिक्स करता है। अगर है कुछ नहीं आपके इस डायग्राम में, अगर आपको डायग्राम तैयार है, तो आप इसमें क्या है क्या नहीं ये आप खुद लिख सकते हैं। चलिए इसके आगे हमने क्या लिखा है वो आप देख सकते हैं। उपरोक्त चित्र में प्रदर्शित, मतलब उपरोक्त मतलब का ऊपर, अगर आप किसी नेक्स्ट बेंच पे आपका डायग्राम है, आप यहाँ लिख रहे हैं, तो आप पार्श्व चित्र लिखेंगे। अगर मेरा डायग्राम ऊपर है और हम यहाँ लिखेंगे, तो उपरोक्त चित्र लिखेंगे। तो उपरोक्त चित्र में प्रदर्शित HRC फ्यूज के आंतरिक भागों से स्पष्ट है। हमने आपको बताया ना, यह जो हमारा डायग्राम है, यह आंतरिक भागों से स्पष्ट है कि HRC फ्यूज कार्टिज फ्यूज का ही विकसित रूप है। जो हमारे यह HRC फ्यूज है, यह कार्टिज फ्यूज का ही विकसित रूप है और इनकी क्षमता 66 KV पर 500 MVA तक होती है। इसलिए इन्हें उच्च विदारक क्षमता वाले फ्यूज कहते हैं। इन्हें हम उच्च विदारक क्षमता वाले फ्यूज भी कहते हैं। इनकी अच्छी विशेषता यह है कि ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के अंतर्गत एक निश्चित समय तक उच्चतम धारा प्रवाह की क्षमता रखते हैं। यदि इस निश्चित समय के अंतर्गत शॉर्ट सर्किट फॉल्ट स्वतः ठीक हो जाए, तो फ्यूज पिघल कर नष्ट नहीं होता है। इसका मतलब समझे दोस्तों आप, यदि हमारे किसी भी परिपथ में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट स्वतः ठीक हो जाए, तो हमारा जो फ्यूज है वह पिघल कर नष्ट नहीं होता है। लेकिन यदि यही फॉल्ट नहीं क्लियर होता है, तो फ्यूज पिघल कर नष्ट हो जाता है और हमारे परिपथ में धारा शून्य हो जाती है। इसका मतलब यह है, वो जो हमारा फॉल्ट है, अगर स्वतः ठीक हो जाए, तो हमारा फ्यूज पिघल कर नष्ट नहीं होता। और यही फॉल्ट अगर क्लियर नहीं होता है, तो हमारा फ्यूज पिघल कर नष्ट हो जाता है और परिपथ में करंट का मान शून्य हो जाता है। इसके आगे देखते हैं। यह फ्यूज विद्युत रोधी पदार्थ, कांच या किसी अन्य तापरोधी रासायनिक यौगिक पदार्थ की बेलनाकार पोली नली के बने होते हैं। बेलनाकार पोली नली का मतलब है दोस्तों, ये देखिए हमारा ये हमारा बेलनाकार है, ठीक है, इसी को हम बोल रहे हैं बेलनाकार पोली नली से बने होते हैं, जिसमें धारावाहक फ्यूज एलिमेंट चांदी के तार के साथ भरड़ पदार्थ का चूर्ण चारों ओर खाली स्थान में भरा होता है। इसमें यह जो हम बना रहे हैं एलिंग मटेरियल, वही है भरड़ पदार्थ का चूर्ण चारों ओर खाली स्थान में भरा होता है और नली के दोनों सिरे पीतल की टोपियों से पूर्ण रूप से वायुरोधी सील बंद होते हैं। मतलब इनकी जो टोपियां होती है, हमने बताया ना, इनमें पीतल की एक टोपी होती है जो जो दोनों सिरे पर होती हैं, वो पीतल की टोपी पूर्ण रूप से वायुरोधी सील बंद होते हैं।
इन्हीं सेलबंद पीतल की टोपियों से चांदी के तार वाला वाहक अवयव जुड़ा होता है। जो चांदी का हमने बताया ना फ्यूज एलिमेंट होता है, वो इन्हीं टोपियों के एलिमेंट मतलब वो उसी में जुड़ा होता है। अचारसी फ्यूज के बारे में हमने आपको बता दिया, इसके आगे हम इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताएंगे, मतलब हानि क्या होती है और लाभ क्या होता है हमारे अचारसी फ्यूज में। आइए देखते हैं एडवांटेज ऑफ एचआरसी फ्यूज। फर्स्ट एडवांटेज है इसकी, इसकी रिलायबिलिटी हाई होती है। सेकंड, यह इकोनॉमिकल होता है। थर्ड, इसकी स्टेबिलिटी हाई होती है। फोर्थ, इसकी धारा वहन क्षमता ज़्यादा होती है। आइए पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज देखते हैं हम, इसका गलन काल फ्यूज की गलन धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है मेल्टिंग टाइम ऑफ फ्यूज इज प्रोपोर्शनल टू 1/ मेल्टिंग करंट ऑफ फ्यूज, मतलब इसका जो गलन काल है वह फ्यूज की गलन धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने एडवांटेज तो देख लिया, आइए इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ एचआरसी फ्यूज, ऑपरेटिंग के बाद नई यूनिट की जरूरत पड़ती है। इसमें फर्स्ट डिसएडवांटेज है, जो हमारा ऑपरेटिंग है उसके बाद हमें नई यूनिट की जरूरत पड़ती है। सेकंड, इंटरलॉकिंग संभव नहीं होता है। थर्ड, संपर्कों का ताप अधिक बढ़ जाता है। हमने आपको डिसएडवांटेज, एडवांटेज और एचआरसी फ्यूज के बारे में बताया। आइए देखते हैं एचआरसी फ्यूज का उपयोग हम कहाँ करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एचआरसी फ्यूज, इसका उपयोग 66 kV तक की हाई वोल्टेज पर विद्युत केंद्रों तथा उपकेंद्रों पर व्यापक रूप से होता है। मतलब समझे दोस्तों आप, इसका जो हमारा एचआरसी फ्यूज है इसका उपयोग हम 66 kV तक की हाई वोल्टेज पर, हाई वोल्टेज के केंद्रों तथा उपकेंद्रों पर व्यापक रूप से करते हैं। दोस्तों हमारा एचआरसी फ्यूज समाप्त हुआ, अब हम पढ़ाते हैं एचवी फ्यूज। जो हमने बताया ना आपको कि दो फ्यूज है जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, एक है एचआरसी फ्यूज और एक है एचवी फ्यूज। एचवी फ्यूज का फुल फॉर्म होता है हाई वोल्टेज फ्यूज। इसके हमारे नाम से ही पता चलता है कि हाई वोल्टेज का मतलब होता है यह हाई वोल्टेज पे कार्य करता है, इसकी कैपेसिटी भी हाई होती है। आइए हम इसको एचवी फ्यूज पढ़ते हैं। हाई वोल्टेज में मुख्यतः यह फ्यूज आते हैं जो हाई वोल्टेज पर कार्य करते हैं तथा इनकी कैपेसिटी हाई होती है। हमने बताया ना कि इसकी कैपेसिटी हाई होता है, इसके नाम से ही हम एचवी फ्यूज के बारे में जान सकते हैं। ये ज़्यादातर कारतूस टाइप के होते हैं, अतः निम्न प्रकार के कार्टी टाइप के फ्यूज होते हैं। हमने बताया ना इसमें निम्न प्रकार के कार्टी टाइप फ्यूज होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द फिलर मटेरियल। फर्स्ट हमारा जो फ्यूज है एचवी फ्यूज, अकॉर्डिंग टू द फिलर मटेरियल, इसमें दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं क्वार्टज सेंड टाइप कार्टिज फ्यूज। अकॉर्डिंग टू द फिलर मटेरियल में फर्स्ट मेरा क्या हो गया, क्वार्टज सेंड टाइप कार्टिज फ्यूज। एंड बी नंबर क्या है मेरा, कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप कार्टिज फ्यूज। सेकेंड है हमारा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के आधार पर क्या है हमारा, सिंगल एलिमेंट कार्टिज टाइप फ्यूज एंड सेकेंड डबल एलिमेंट कार्टिज टाइप फ्यूज। आइए हम पढ़ते हैं एचवी फ्यूज। ये है हमारा एचवी फ्यूज, मतलब कार्टिज फ्यूज। इसमें एक बोल्ट होल होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, या इसमें एक क्या होता है, इसमें एक इनपुट ये होता है, इनपुट टर्मिनल होता है या आउटपुट टर्मिनल, जहाँ से ये इसको इनपुट दिया जाता है यहाँ से आउटपुट बाहर निकलता है। इसमें एक बोल्ट, इसमें एक सूचक वित्त होता है, इसको ही मतलब फ्यूज बोलते हैं। डायग्राम में है कुछ नहीं, आगे चलिए देखते हैं उपरोक्त चित्र फिर आया मेरा, क्योंकि चित्र मेरा ऊपर बना है। तो उपरोक्त चित्र में प्रदर्शित कारतूस फ्यूज का मतलब हमने बताया ना हिंदी में कारतूस और इंग्लिश में इसे ही कार्टिज कहते हैं। कार्टिज फ्यूज में विद्युत रोधी पदार्थ पोर्सलिन टाइल या शीशे से बनी बेलनाकार नली होती है। अच्छा, बेलनाकार का मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब ये जो नली होती है हमारी नली आर पार छिद्र वाली होती है। ये जो हमारी नली है
ये नली है, ये हमारी आर पार छिद्र वाली नली है, नली होती है जिसे कारतूस कहते हैं, मतलब जिसे कार्टिज कहते हैं। इसमें फ्यूज तार पूरक पदार्थ का चूर्ण भर दिया जाता है। ये जो है ना, ये हमारा, ये इसमें इसमें जो है चूर भरा है, पूरक पदार्थ का चूर भर दिया जाता है। तत्पश्चात, तत्पश्चात का मतलब इसके तुरंत बाद। तत्पश्चात नली के दोनों सिरे सुदृढ़ धातु टोपी, मतलब सुदृढ़ का है मेटल कैप, जो हमारी टोपी है वो मेटल कैप की है, द्वारा पूर्ण रूप से सेल कर दिया जाता है। सेल का मतलब क्या है, बंद कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें फिलर मटेरियल मटेरियल क्वार्टज सेंड होता है, जिसमें जो है ये हमारा कार्टिज फ्यूज है, इसमें क्या है फिलर मटेरियल क्वार्टज सेंड होता है, जो समान अवस्था में अपना कार्य करता रहता है। जब फ्यूज स्वस्थ होता है, मतलब जब फ्यूज खुद स्वस्थ होता है, मतलब ठीक होता है, तब स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रतीत होता है। परंतु असामान्य अवस्था में जब फ्यूज एलिमेंट पिघलकर क्षय हो जाता है, मतलब असामान्य, जब हमारा फ्यूज होता है असामान्य अवस्था में रहता है, तब फ्यूज हमारा क्या होता है, पिघलकर क्षय होता है। क्षय का मतलब होता है नष्ट हो जाता है। तब यही सूचक वित्त गद्दा या काला धब्बा, मतलब जो समझते हैं जैसे हमारा फ्यूज जल जाता है तो हमारा काला धब्बा नहीं दिखाई पड़ता है, वही होता है, वही काला धब्बा सा प्रतीत होने लगता है, जिससे हम जान जाते हैं क्या हमारा फ्यूज खराब हो गया, मतलब जल गया। तो हम क्या करते हैं, फ्यूज को चेंज कर देते हैं। फ्यूज एलिमेंट के पिघलने के बाद उत्पन्न वाष्पन व चिंगारी, मतलब जो फ्यूज एलिमेंट पिघल जाता है तो उसके बाद इसमें चिंगारी उत्पन्न नहीं होती है, आप सभी ने देखा होगा। तो जो चिंगारी उत्पन्न होती है, चिंगारी को क्रमशः ठंडा व दबाने का कार्य पूरक पदार्थ के चूर्ण द्वारा होता है। इसमें जो पूरक पदार्थ भरा होता है वही चूर्ण जो होता है हमारे चिंगारी या वाष्पन को ठंडा व दबाने का कार्य पूरक पदार्थ के चूर्ण द्वारा होता है। थैंक यू दोस्तों, इसके आगे हम आप सभी को मतलब इसके आगे हम आप सभी का जो सिलेबस में होगा, इसके आगे हम आपको वो टाइप बताएंगे आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है, हम आपके सिलेबस से ही आपका क्लास पढ़ाएंगे। अगर आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, दैट्स ऑल।